हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल रिद्धि सिंह में। मैं आज वेज बिरयानी बना रही हूँ। ये बहुत टेस्टी बना है, आप देख ही सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, बीच में स्किप ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने कुकर को ऑन कर लिया है। इसमें डाले हैं 2 चम्मच ऑयल। मैंने ऑलरेडी ऑयल डाल दिया था, तो ऑयल को गर्म होने देते हैं और गैस को हमको हाई फ्लेम रखना है। इसमें सबसे पहले हम अनियन को भुनेंगे। सबसे पहले अनियन को स्लाइस में काट के और इन्हें ऐसे कर लीजिए अलग अलग, और इन्हें हम डाल के भून लेंगे। हमें हाई फ्लेम पे भुनना है और इन्हें डार्क ब्राउन करना है। तो इन्हें हम चलाते हुए भून लेंगे। आप देख सकते हैं इसका कलर डार्क हो गया है। अब इसे हम निकाल लेंगे, नहीं तो ये जल जाएंगे। ये देखिए, हमने प्लेट में निकाल के इसे रख लिया है। तो चलिए अब चलते हैं बिरयानी बनाने के प्रोसेस में। कुकर को मैंने वापस से गर्म होने के लिए रख दिया है। अब इसमें डाले हैं 1 छोटा चम्मच जीरा और ये खड़े मसाले, दालचीनी, बड़ी इलायची, जावित्री और तेज पत्ता। इन सबको हम डाल के थोड़ा सा भून लेंगे कुछ सेकंड के लिए। अब इसमें हम डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज को हमने छील के और धो के इसे स्लाइस में काट लिया है। अब इसमें हम डाल के इसे लगातार चलाते हुए भून लेंगे। गैस का फ्लेम हमको अब मीडियम रखना है। ये देखिए, इसका कलर चेंज हो गया है, ये गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे सब्जियाँ। आपके पास जो भी सब्जियाँ हैं वो डाल सकते हैं। मैं डाल रही हूँ गोभी, बीन्स और कैरेट। इन सब सब्जियों को मैंने बड़े बड़े टुकड़ों में काटा है, क्योंकि सीटी लगने पे ये ज़्यादा गल जाएंगे, तो इसलिए मैंने थोड़ा बड़े बड़े टुकड़ों में काटा है। सब्जियों को हम थोड़ा सा भुनेंगे। अब इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, और अदरक लहसुन के पेस्ट को हम थोड़ा सा भून लेंगे जिससे उसका कच्चापन चला जाए। अब हम इसमें डालेंगे मसाले। मसालों में हम ले रहे हैं 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच चिल्ली पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, 2 छोटा चम्मच बिरयानी मसाला पाउडर। अगर आपके पास बिरयानी मसाला पाउडर नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, तब भी टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। मसालों को हम डाल के अच्छे से भून लेंगे। मसालों को और सब्जियों को हमने अच्छे से भून लिया है। अब इसमें हम डालेंगे दही। दही डालने के लिए हम गैस को ऑफ कर देंगे और इन सबको हम ठंडा होने देंगे, नहीं तो दही डालेंगे तो दही फट सकता है। तो अभी हम इसे ठंडा होने देते हैं। तब तक हम राइस धो लेते हैं। राइस को मैंने धो लिया है, आप देख सकते हैं। राइस को हम धो के रख देते हैं। मैं यहाँ 2 कप राइस ले रही हूँ। मसाले हमारे ठंडे हो गए हैं। अब इसमें हम दही डाल देंगे और इसमें डालेंगे पुदीना पत्ता। आप धनिया का पत्ता भी डाल सकते हैं। धनिया पत्ती मेरे पास नहीं है तो मैं नहीं डाल रही हूँ। और इन्हें अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। इन्हें अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, उसके बाद हम गैस को ऑन कर लेंगे। गैस को हमने ऑन कर लिया है और थोड़ा सा हम इन्हें भून लेंगे। दही डाल के हम लगातार चलाते हुए इन्हें भून लेंगे जिससे दही का खट्टापन कम हो जाए। अब इसमें हम डालेंगे पनीर। पनीर को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। आप चाहें तो और भी पनीर डाल सकते हैं। और इसमें डाल रही हूँ मैं 2 चिल्ली। चिल्ली को मैंने सिर्फ 2 टुकड़ों में कर लिया है, बीच से फाड़ के। थोड़ा सा इन्हें भी हम मिक्स करेंगे। और अब हम चलते हैं बिरयानी के लेयरिंग करेंगे। इसके लिए हम गैस को ऑफ कर देंगे, वरना लेयरिंग करते टाइम नीचे से सब्जियां जलने लगेंगी। सबसे पहले हम कुकर में सब्जियों को अच्छी तरह से नीचे फैला लेंगे। अब हम सब्जियों के ऊपर सबसे पहले डालेंगे अनियन, जो हमने सबसे पहले भून के रखा था। ये भून के ज़रूर डालें, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है।
इसके बाद हम डाल रहे हैं पुदीने की पत्ती। पुदीने की पत्ती को मैंने काटा नहीं है, ऐसे ही तोड़ लिए हैं पत्ती पत्ती को। अब इसके ऊपर से हम डाल रहे हैं घी। घी के बाद अब हम डालेंगे राइस को। राइस हम डाल के अच्छी तरह से फैला लेंगे। राइस को हमने अच्छे से फैला लिया है। अब इसके ऊपर से फिर सेकंड लेयर लगाएंगे। सबसे पहले प्याज को डालेंगे, भुना हुआ प्याज को हमने डाल लिया है। अब इसके ऊपर से डालेंगे पुदीने की पत्ती और फिर डालेंगे घी। घी मैं यहाँ नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी घी डाल दिया है। आप दोनों लेयर में घी डाल सकते हैं। मैंने लेयरिंग कर लिया है। अब इसमें डालेंगे पानी। पानी मैंने 2 गिलास राइस लिया था तो मैं 4 गिलास पानी डाल रही हूँ। इससे राइस बहुत परफेक्ट बनता है तो मैं ऐसे ही डालूँगी। मैं बिरयानी में नमक डालना भूल गई, सॉरी, बट आप इस ट्रिक से डाल सकते हैं। ऐसे डालेंगे तो नमक बिल्कुल परफेक्ट आएगा। आपको जितना भी पानी डालना है वो पानी ले लीजिए और उसमें टेस्ट अकॉर्डिंग नमक डाल लीजिए और उसे अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए। बिल्कुल नमक उसमें पानी में घुल जाना चाहिए। इससे नमक बिल्कुल परफेक्ट आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप कभी भी अगर नमक डालना भूल जाएं तो इस ट्रिक को ज़रूर अपनाएं, ये बहुत काम करता है। तो मैं इसी तरह डालूंगी। तो चलिए पानी को डाल देते हैं बिरयानी में। मैंने बिरयानी में पानी डाल दिया है। अब हम गैस को ऑन कर देंगे। यहाँ मैंने गैस को ऑन कर दिया है। अब कुकर का ढक्कन हम बंद कर देंगे। कुकर का ढक्कन हम बंद करेंगे और इसे हाई फ्लेम पे 1 सीटी आने देंगे। यहाँ मेरे कुकर की 1 सीटी लग गई है तो अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और कुकर को ठंडा होने देंगे। कुकर को ठंडा होने के बाद ही हमको खोलना है, इससे पहले हमें इसे नहीं खोलना है, नहीं राइस अच्छे से नहीं पके रहेंगे। कुकर मेरा ठंडा हो गया है, आप देख सकते हैं, तो मैं इसे खोल लूँगी। कुकर को मैंने ओपन कर लिया है। ये देखिए राइस कितनी परफेक्ट बनी है। मैं आपको स्पून से निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए बिल्कुल राइस बहुत ही परफेक्ट बनी है। अगर राइस आप थोड़ी देर भिगो के रखें तो पानी थोड़ा कम यूज करें, अगर भिगो के नहीं रख रहे हैं तो पानी ऐसे ही यूज करें। ये देखिए बहुत परफेक्ट बना है। अब हम बिरयानी को प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखिए अब ये बिरयानी रेडी है, अब आप इसे खा सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड्स फैमिली में। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।